सो लेट्स बिगिन विथ अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो राइट डाउन द क्वेश्चन. देखो इसमें अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. In the positive x direction, in the positive x direction, full stop. If the intensity of the field, if the intensity of the field, if the intensity of the field is 5 newton per coulomb, then find potential difference VB minus VA between the two points A, that is 0,2, and B, and B 5,3, and B 5,3. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे सामने. तो क्या करें इसमें, देखो सबसे पहले सिचुएशन को डिकोड करते हैं. तो लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना. एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं. दिस इज़ द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और यूनिफॉर्म है यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है. तो ये हमने बना ली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 5 न्यूटन पर कूलम. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है जो कि है 5 न्यूटन पर कूलम. कैसे पता कांस्टेंट है, क्योंकि लिखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो 5 I cap newton per coulomb, है ना. ये जो पिंक से मार्क्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. अब क्या बोला उसने कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी. तो एक पॉइंट किधर है, 0,2 यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ए 0,2, एंड 5,3. 5,3 कहाँ पर होगा, यहाँ पे कहीं पर, दिस इज बी 5,3, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर भी है ना, हर जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है. तो हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और स्पेसिफिकली वी बी माइनस वी ए बताना है ना, वी बी माइनस वी ए. सबसे पहले तो सोचो वी बी बड़ा होगा या वी ए बड़ा होगा. तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है. तो क्लियरली ए पॉइंट पहले पढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखा जाए, या बी पहले पढ़ रहा है. तो क्लियरली ए पहले पढ़ रहा है, यानी कि ए पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पर पोटेंशियल कम होगा. तो क्लियरली वी बी इज़ लेस देन वी ए, ये कंक्लूजन निकाला हमने यहाँ से. यानी कि वी बी माइनस वी ए नेगेटिव आने वाला है, आंसर विल बी नेगेटिव, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, ठीक है. एंड वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव होगा, ठीक है. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दो पॉइंट्स को ऐसे जोड़ना हो, तो ई इंटू डी आंसर होता है. डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग प्रोजेक्शन, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग प्रोजेक्शन कितना होगा, इसके एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस 0, तो ये 5 हो जाएगा. कुल मिला के वी ए माइनस वी बी इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 5,
मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 5, तो होगा 25 वोल्ट, यानी कि आंसर क्या होगा, वी बी माइनस वी ए इज माइनस 25 वोल्ट्स, ये आंसर हो गया। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं ऐसे ही वर्बली एक्सप्लेन करता हूँ सिचुएशन को, कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम, जो उसका मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो 20 न्यूटन पर कूलम है। अब कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये पॉइंट ए है, और इसी हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही थोड़ा आगे चल के एक पॉइंट बी है, और बी से थोड़ा ऊपर चल के वर्टिकली यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर एक पॉइंट सी है, ठीक है। दिस इज 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, ए से बी के में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2 मीटर है, और बी सी से के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग डिस्टेंस 2 मीटर है, और फिर सी से हॉरिजॉन्टली फिर आगे चले तो एक पॉइंट है यहाँ पर डी, वो डिस्टेंस भी 2 मीटर है, ठीक है। सी डी इज ऑल्सो 2 मीटर, तो हमें बताना है फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी सी, फाइंड वी ए माइनस वी डी एंड फाइंड वी डी माइनस वी बी, ये सब फाइंड करना है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं, देखो क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, जिन जिन पॉइंट्स के बीच में बात की गई है उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पर। तो वी ए माइनस वी बी के लिए ए और बी पॉइंट को पकड़ लो, ये ए और बी को पकड़ लिया। अच्छा, ये हम अपने इंट्यूशन से देख लेंगे कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। क्लियरली ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पर कम है, तो यहाँ पर आंसर होगा 20 × 2, तो ये हो गया 40 वोल्ट्स। वी ए माइनस वी सी को देख लेते हैं, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, क्लियरली ए बड़े पर है, सी छोटे वोल्टेज पर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगेन 2 ही है ना, वर्टिकल डिस्टेंस तो देखना नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही देखना है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 20 × 2 दैट इज 40 वोल्ट्स। फिर वी ए माइनस वी डी, ए और डी को पकड़ लो, ए और डी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 2a और 2a, 2 और 2 4, 4 × 20 दैट इज 120 वोल्ट, और पॉजिटिव होगा क्योंकि वी ए इज ग्रेटर देन वी डी। फिर वी डी माइनस वी बी, वी डी माइनस वी बी, तो अब ये कम वोल्टेज पे है, ये ज़्यादा वोल्टेज पर है, तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है डी और बी के बीच में, 2 मीटर्स, सो 2 × 20 दैट इज 40, यानी कि माइनस 40 वोल्ट्स, सो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, एक गड़बड़ यहाँ पर, वी ए माइनस वी डी, तो ए और डी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 है और ये 20 है, 4 × 20 इज नॉट 120 बट 80, तो इसको 80 वोल्ट करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो एक कॉन्सेप्ट की तरह इसको समझते हैं, तो लिखो कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड। तो अभी क्या हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, ठीक है, जो कि चार्ज्ड है ऑफ कोर्स, ये इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड बना ली हमने, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए इज लेट्स से x1 की दूरी पर है,
और बी जो है वो एक्स टू की दूरी पर है। ठीक है, अच्छा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इस लैम्डा को पॉजिटिव मान रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, ए पर या बी पर? ऑफ कोर्स ए पर, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या देखी थी हमने? पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखी थी कि अगर हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है, वी ए माइनस वी बी, सो इट इज़ डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, है ना, बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना तो उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, तो वी ए माइनस वी बी इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। अच्छा ये वन यूनिट चार्ज का था, अगर वन यूनिट चार्ज नहीं हो, क्यू यूनिट चार्ज हो तो क्यू रख देना है यहाँ पर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे वन यूनिट चार्ज रख देंगे। ठीक है, वन यूनिट यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन निकालना है, ये वाली क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? हमें फोर्स का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। फोर्स का एक्सप्रेशन तब पता रहेगा जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, याद करो? अगर ये हमारे पास इनफाइनाइट रॉड होती थी, लेट्स से एक्स दूरी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? तो ये था 2K लैम्डा बाय आर, टू नहीं आता था यहाँ पर, एक्चुअली में के लैम्डा बाय आर आता था, और यहाँ पर ऐसे लिखते थे अपन साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। साइन थीटा वन भी 90 डिग्री है, साइन थीटा टू, थीटा टू भी 90 डिग्री है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 टू आ जाता था यहाँ पर। तो इनफाइनाइट रॉड के लिए एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होती थी? के क्यू बाय आर इंटू टू, दैट इज 2K लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर इंटू टू, दैट इज 2K लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी क्यू चार्ज को बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लिखेंगे? एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये एफ क्या है? एफ इज ई इंटू क्यू, सो दिस इज ई इंटू क्यू डी एक्स। ठीक है, तो क्यू को कुछ क्यू मान लिया, ये क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2K लैम्डा बाय एक्स, है ना, ये एक्स था तो ये आर नहीं लिखना चाहिए, यहाँ एक्स लिखना चाहिए, तो एक्स डी एक्स। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? ए से बी जाना है, तो ए कितनी दूरी पर है? एक्स वन, और बी कितनी दूरी पर है? एक्स टू। सो लिमिट्स आर फ्रॉम एक्स वन से लेके एक्स टू, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो कांस्टेंट चीज़ बाहर निकालो, क्यू कांस्टेंट है वो तो बाहर ही है, वैसे कायदे से इसको भी अंदर लिखना चाहिए। ठीक है, एनीवेज तो ये एफ डी एक्स का इंटीग्रल लिखना चाहिए। तो क्या क्या बाहर आ गया? क्यू बाहर आ गया, टू बाहर आ गया, के बाहर आ गया, लैम्डा बाहर आ गया। तो 2K q λ इंटीग्रेशन 1/x dx, एक्स वन से लेके एक्स टू। अब 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x होता है, 2K q λ ln x, लिमिट्स आर फ्रॉम एक्स वन से लेके एक्स टू। तो ये हो गया 2K q λ ln x2/x1, सो दिस इज वॉट, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन मूविंग फ्रॉम ए से बी। तो इसकी जगह ये लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गया अपने पास 2K q λ ln x2/x1 एंड डिवाइडेड बाई क्यू, ये क्यू भी आएगा, तो ये क्यू से क्यू कट गया, सो वॉट इज लेफ्ट? 2K λ ln x2/x1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वॉट वी रिक्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा, जस्ट फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए। सो ये हमारे पास इनफाइनाइट रॉड है,
ठीक है, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है 1 कूलम पर मीटर। 1 मीटर में 1 कूलम का चार्ज है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। 1 कूलम इज़ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एनीवेज एक पॉइंट है ए यहाँ पर जो कि इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसका 4 मीटर्स, और एक पॉइंट यहाँ पर है जो इससे थर्टी सेवन डिग्री एंगल बना रहा है ए पॉइंट से। ये पॉइंट बी है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो दूरी है वो है 5 मीटर्स। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी क्या होगा? ठीक है, तो क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी इसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ऐसी होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। जब यूनिफॉर्म नहीं होगी ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, बट होगी वो इसी डायरेक्शन में। अगर टॉप व्यू देखा जाए रॉड का तो ऐसी जा रही होगी। ये टॉप व्यू है रॉड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, तो यूनिफॉर्म नहीं है वो। बट अगर एक ही प्लेन में कंसीडर करें, इसी प्लेन में, तो ए पर भी उसी डायरेक्शन में होगी और बी पर भी उसी डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है। ठीक है, तो अगर एक ही प्लेन की बात की जाए तो एक्स इसके अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो हमें वर्क डन निकालना है वो भी इसी के अलोंग निकालना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? वर्क होता है एफ डॉट एक्स। ठीक है, तो एफ क्या है? क्यू इंटू ई, तो वो एफ को हम क्यू इंटू ई लिख सकते हैं, तो ई डॉट एक्स। तो अब देखो ई डॉट एक्स क्या होता है? ई डॉट एक्स होता है ई इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। तो इफ दिस इज एक्स, अगर ये एक्स है तो x cos थीटा क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो कुल मिला के जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, q से q कट गया था, ये 2k लैम्डा ln x2 by x1। सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस? वी ए माइनस वी बी 2k लैम्डा ln x2 by x1। उसमें हम x2 क्या रखेंगे? x2 रखेंगे बीच जो पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है इधर से, ये रखेंगे x1, मतलब x2। सो दिस इज आवर x2, सो दिस इज 4 यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस इज 5 का cos कंपोनेंट, 5 cos 37 डिग्री। सो दिस इज 5 cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5। ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया तो 4, सो दिस इज 4, सो दिस इज 4, तो x2 इज 8, सो दिस इज 8। और x1, x1 a पॉइंट कितनी दूरी पर है इस रॉड से? सो दैट इज 4, तो ये 4 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या लिख देंगे हम? 2 तो 2 है, k होता है 9 × 10⁻⁹, ना ऐसा यूनिट में लैम्डा दे रखा है, ऐसा यूनिट में 1, और ये ln 8/4 दैट इज ln 2, ये आंसर हो जाएगा। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो ये आंसर भी किस में आएगा? ऐसा यूनिट में, दैट इज वोल्ट्स। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखो। जैसे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, है ना, लीनियर चार्ज था पूरे इनफाइनाइट रॉड में फैला हुआ। शीट हो तब क्या करना है? तो लिखो नेक्स्ट potential difference due to infinitely
लॉन्ग लॉन्ग थिन शीट, थिन शीट। इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट है अब हमारे पास, तो इसका मैं सामने से व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो ये ऐसी दिखेगी, ये 3 डायमेंशनली इसको इमेजिन करो। ठीक है, तो लेट्स से चार्ज डेंसिटी इसकी है सिग्मा। तो अब एक बात हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकलती है ऐसे बाहर, और वो कांस्टेंट होती है इनफाइनाइट शीट के लिए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ई इज़ कांस्टेंट हेयर, और उसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ कंसिडर किया हमने, दूसरा पॉइंट यहाँ कंसिडर किया, तो इट इज़ लाइक ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, तो लेट्स से इधर ये शीट है, तो शीट से पहले पॉइंट की दूरी है x1 और दूसरे पॉइंट की दूरी है x2। ठीक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। सो वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट ई इंटू डी। ए इज़ वॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड डी इज़ वॉट, डी इज़ दिस डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। दैट कैन बी रिटन एज x2 माइनस x1, दैट कैन बी रिटर्न एज x2 माइनस x1। वी ए माइनस वी बी ये हो गया इस सिचुएशन में। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये नाम में ही अपनी पहचान छुपाए हुए है। इक्विपोटेंशियल यानी कि जिनका सेम पोटेंशियल है, तो ऐसे सरफेसेस जिनका सेम पोटेंशियल है आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो देखो इसमें पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस, ऑफ अ सरफेस इज सेम, इज सेम थ्रू आउट। जस्ट पार्डन मी फॉर जो मैंने डेफिनेशन बोली उसका, शायद तुमने ये मतलब समझा होगा, दो ऐसे सरफेसेस जिनका पोटेंशियल सेम है वो इक्वी पोटेंशियल होते हैं। गलत मैंने कहा, लेट मी रीफ्रेज इट। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, तो इसको रीफ्रेज करो कि पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस इज सेम थ्रू आउट, देन देन सच सरफेस, सच सरफेस इज नोन एज, इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन सच सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो अगर हर पॉइंट पर सरफेस पे इक्विपोटेंशियल है, अगर वो सरफेस, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है, तो राइट डाउन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो देखो पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं कि अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? ज़ीरो, देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि वो तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस सरफेस पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। सो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है ज़ीरो। इसका मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से जाएं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि देर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखो इसमें, वैन वैन अ चार्ज, वैन अ चार्ज is shifted, is shifted from one point
फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन by electrostatic forces is zero. ठीक है, ठीक है, सेकंड पॉइंट को समझते हैं। तो सेकेंड पॉइंट को समझते हैं। तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखता? तो क्या सोचा था हमने कि जो प्लेन परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। तो इमेजिन करो ये थ्री डायमेंशन में है तो कैसा होता है? ऐसा कुछ, हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता, ठीक है। अब इसको अदर वे राउंड सोचो कि मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, यहाँ पोटेंशियल सेम है, यहाँ पोटेंशियल सेम है, यहाँ पोटेंशियल सेम है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो यहाँ इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी गुजरेंगी? परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसी गुजरेंगी, अगर ऐसी सिचुएशन को फ्रेम करना है हमें तो, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिखो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें। फिर थर्ड पॉइंट, अच्छा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इंटरसेक्ट कर गए तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो देखो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। देखो, सम एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसमें सबसे पहला, फॉर अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए अगर हमें उस पर्टिकुलर चार्ज, जिस भी टाइप का वो चार्ज है, उस चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि किस शेप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर ही होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम पता कर लेंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? थ्री डायमेंशन में हर तरफ निकलती हुई,
ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो ना, नेगेटिव है तो अंदर आती हुई। तो अब ये थ्री डायमेंशन में इमेजिन करो कि हर तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो तुम कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो वो क्या बनेगा? एक स्फीयर। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर है। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो थोड़ा बड़ा स्फीयर बन जाएगा, एक और बनाना है तो छोटा बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, कुल मिला के पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होंगे? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं, फॉर अ पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विथ द सेंटर एट द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये सब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं, ये जो पिंक कलर से बने हुए हैं। और किस शेप के हैं ये? पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर के शेप के। और उस स्फीयर्स, उन सभी स्फीयर्स का सेंटर कहाँ पर है? चार्ज इट्सेल्फ पर, जो चार्ज है वही उनका सेंटर है। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज के लिए। अब सेकंड देखते हैं, फॉर अ लाइन चार्ज। सेकंड, फॉर अ लाइन चार्ज, ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन चार्ज है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते हुए ऐसी, तो ये तो हमें प्लेन में दिख रही है, ठीक है। थ्री डायमेंशन में देखेंगे तो अगर टॉप से देखें तो कैसी दिखेगी? अगर ये टॉप से देख रहा हूँ तो ये लाइन चार्ज है, तो ऐसी बाहर निकलते हुए। तो टॉप से जो फिगर है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो टॉप से देखेंगे तो वो फिगर कैसा दिखेगा? वो फिगर एक सर्कल की तरह दिखेगा। और साइड से इसको ऐसे काटना चाहिए, इसका मतलब ओवरऑल वो फिगर कैसा होना चाहिए? वो फिगर होना चाहिए सिलेंडर। तो ये एक हमने स्केच कर ली इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। जरूरी नहीं यही हो, थोड़ा हो सकता है ज़्यादा बड़े डायमीटर का सिलेंडर हो, लेंथ भी बड़ी हो सकती है ऑफ कोर्स, बट रहेगा तो वो सिलेंडर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है लाइन चार्ज के लिए? कोएक्सियल सिलेंडर्स। कोएक्सियल यानी कि एक ही एक्सिस है सभी सिलेंडर्स की और वो सभी कोएक्सियल है। तो लिखो इसमें, फॉर अ लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर कोएक्सियल सिलेंडर्स, आर कोएक्सियल सिलेंडर्स, ठीक है। तो ये हो गया भाई लाइन चार्ज के लिए। अब आ जाते हैं हम यूनिफॉर्मली लार्ज शीट के लिए, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट के लिए। तो लिखो थर्ड, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लार्ज शीट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट के लिए इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैसे दिखेंगे?
तो बना लेते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज लास्ट इट इज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बाहर निकलते हुए। तो इस यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड को काटने वाले, परपेंडिकुलरली काटने वाले सरफेसेस किस शेप के होंगे, वो भी इस शीट के शेप के ही होंगे, ठीक है, दे आर लाइक प्लेन्स। सो फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। तो ये जो पैरेलल प्लेन्स है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। अच्छा, इन सब का इसका इस प्लेन पर पड़ने वाले का पोटेंशियल लेट से वी होगा, इस प्लेन पर पड़ने वाले का पोटेंशियल लेट से वी टू होगा, इस प्लेन पर पड़ने वाले पॉइंट्स का सभी का पोटेंशियल V3 होगा। तो क्या तुम बता सकते हो V1 बड़ा होगा या V2 बड़ा होगा, V3 अरेंज कर सकते हो V1 V2 V3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो V3 सबसे कम होगा, फिर V2 होगा, फिर V1 होगा। तो V3 सबसे कम, फिर V2, फिर V1, इस चित्र के मुताबिक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक्सिस है, this is x axis and all the measures are given in distances measured in centimeter. This is y axis and all the distances are measured in centimeter. और यहाँ पर कुछ equipotential surfaces है, ठीक है, ऐसा ये surface है ना, z dimension में भी है ये, अपन को केवल इसका टू डायमेंशनल व्यू दिख रहा है, लेकिन ये जेड डायमेंशन में भी है, ये भी एक सरफेस है। पैरेलल है ये प्लेन्स एक दूसरे से, ठीक है, और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो वाला कोऑर्डिनेट है 10, 0। जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो वाला कोऑर्डिनेट है 20, 0, और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट है 30, 0, ठीक है। और ये वाला एंगल है 30 डिग्री, तो ऑफ कोर्स ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल है। सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पड़ने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल
10 वोल्ट है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पड़ने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है एंड सिमिलरली इसका 30 वोल्ट है, ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिनकी वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन रहे होंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो क्लियर सी बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, इनके परपेंडिकुलर खींचना है मतलब कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल प्लेन्स बन रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 20, दैट इज 10 वोल्ट। अगेन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को ई बोल दिया जाए और इनके बीच के डिस्टेंस को, किन्हीं दो प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस को डी बोल दिया जाए, तो ई इंटू डी इज 10, ये दिख रहा है हमें। अच्छा अगर ये डी है तो ये भी डी होगा, और अगर ये डी है तो ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। सो दिस डिस्टेंस इज 10, 20 माइनस 10, दैट इज 10, और ये क्या 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है। सो दिस इज व्हाट, साइन 30 डिग्री इज 1/2, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज व्हाट, हाफ ऑफ 10 यानी कि 5, तो ये 5 सेंटीमीटर है, डी इज 5 सेंटीमीटर। सो ई इज, वी हैव टू कैलकुलेट, डी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ई किस लिए चाहिए, ई चाहिए हमें ऐसा यूनिट में, तो 5 सेंटीमीटर को लिखेंगे 5/100 meters, इट इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अब सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो ई भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। सो ई इज इक्वल्स टू 1000 × 100, ठीक है, या 1000/5, सो दैट्स व्हाट 200 वोल्ट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड पर मीटर, वोल्टेज पर मीटर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वोल्ट पर मीटर। तो ये तो हो गया भाई मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इस दिशा में, तो इस दिशा को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री, 120 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं आंसर इस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट पर मीटर 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आंसर होगा। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखो या केवल एक्स एक्सिस लिखो बात बराबर ही है, क्योंकि अगर किसी ने जस्ट एक्स एक्सिस लिखा है तो उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मानेंगे। सो आई होप यू गेटिंग दिस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब कुछ मैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं। इस इक्विपोटेंशियल सर्फेस का पोटेंशियल है 50 वोल्ट, इसका है 40 वोल्ट और इसका है 30 वोल्ट। एक पॉइंट है यहाँ पर ए, एक पॉइंट है यहाँ पर बी, और एक पॉइंट है यहाँ पर सी, ठीक है। तो लिखो इसमें फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है।
सो एट विच पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट। ए बी सी में से हमें बताना है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगी, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट किन किन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में आ रहा है, एक तो इसके और इसके बीच में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखें अगर हम, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट का। ठीक है, अच्छा सी पॉइंट 40 और 30 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है 10 का, और 50 से 40 के बीच में बी पॉइंट जो है वहाँ इतनी सी दूरी में ही, सबसे कम दूरी में ही सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इस पॉइंट को पकड़ लें हम और इस पॉइंट को पकड़ लें तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 यूनिट है, इस पॉइंट को पकड़ लें और इसको पकड़ लें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 यूनिट है, और इसको पकड़ लें और इसको पकड़ लें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 यूनिट है। कैसे पता चला? ये दिया हुआ है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के पोटेंशियल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा दूरी में पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर तो बहुत कम दूरी पर हो जा रहा है। तो अब देखो ज़रा, जैसे मैंने तुमसे कहा ई इंटू डी इज इक्वल्स टू वी होता है, तो इसका मतलब ई क्या होता है, ई होता है वी बाई डी, है ना। पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर डिस्टेंस डी है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, ई इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, वी अपॉन डी। तो इसका मतलब अगर डी ज़्यादा हुआ है ना इस पर्टिकुलर केस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्लियरली लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी सी, दिस डिस्टेंस इज डी ए एंड दिस डिस्टेंस इज डी बी, तो सबसे छोटा कौन है, डी बी सबसे छोटा है, तो डी बी इज स्मॉलेस्ट, उसके बाद डी ए, उसके बाद डी सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज ग्रेटेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो आंसर इज ई बी। वाई, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो इसको लिख सकते हैं बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are close to each other, then magnitude of field is high at that point. ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इतना ही करते हैं आज, ऑल द डाउट्स आर वेलकम, एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड नोट्स फॉर दिस सेशन, प्लीज सेंड मी दैट। एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, है ना. यू हैव टू सर्च इन एक्सरसाइज ऑल्सो एंड सॉल्व देम. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.